चल हम पहुंच चुके खेत में रेलवे ट्रैक के ऊपर क्या बढ़िया अभी हम लोग गांव के अंदर घुस रहे हैं और हम लोग देखने वाले हैं ये रोड कहां तक के जाती है और आपको भी दिखाने वाले हैं जो यहां आया नहीं वो देख सकता है और उसे पता चल जाएगा कि ये रोड कहां तक जाती है। ये सरप्राइज है इसलिए वीडियो को एंड तक के जरूर देखना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। नया रोड बना है, रोड कहां तक जा रही है चलो देखते हैं। गाइस बताना हमारी बुलेट कैसे चलती है ना जबरदस्त। हमें मोटो ब्लॉग करने के लिए कोई सुपर बाइक की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पहले से ही इतनी बढ़िया बुलेट है जो सुपर बाइक से कम नहीं है। इसकी स्पीड और आवाज तो भाई साहब क्या बताऊं, गोली की आवाज और गोली की रफ्तार दोनों है इसमें। ये देखो फ्रेंड्स अभी हम लोग अंदर जा रहे थे, रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। हाँ वाओ गाइस साउंड सुना आपने इसके अंदर बुलेट का, अपन रेस करो। वाओ तीसरी लाइन मजा आ जाता है फ्रेंड्स। खेत है इधर, ये देखो कितनी सारी खेत है यहाँ पे और हम लोग अभी रेलवे ट्रैक से होते हुए रेलवे ट्रैक से नीचे से होते हुए यहाँ आ चुके खेत और सामने हमारे कच्ची सड़क है। तो चले पापा पहले इधर देखे क्या क्या इधर जा सकते हैं, वहाँ वो बंद है। हम लोग सोचते हैं चलो मैं पूछ के आता हूँ, देख के आते हैं थोड़ा अंदर जा सकते हैं कि नहीं वरना मैं आपको बाहर से ही दिखा दूंगा। गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं। गाइस ये देखो हमारे चारों तरफ खेती खेत है और ये यहाँ पे घर बना के रखे हैं, घर टाइप का थोड़ा झोपड़ी। तो गाइस आपने देखा होगा हम लोग उस सीधी रोड से होते हुए इस खेत तक के आ चुके हैं और इस खेत में इतनी सारी सब्जी है मैं क्या बताऊं और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है और छत्तीसगढ़ में जो खेत और सब्जियों का पैदावार होता है वो यहीं पे होता है और यहीं से छत्तीसगढ़ के सारे राज्यों में यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है सब्जियों का। और देख पा रहे हैं हमारे पीछे अभी लगा है भाटा मतलब बैंगन, ये देखो नीचे है छुपा हुआ है, अभी ये उगेगा और भी थोड़े थोड़े निकले हैं। देखो आप देख पा रहे होंगे वाइट बैंगन है, वाइट बैंगन है और वाला कौन सा। तो गाइस आप जितना देख पा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट है और वो वहाँ तक ही ख़त्म है और पीछे भी बहुत लंबा, यहाँ पूरा बैंगन की खेती हो रही है और ये वाइट बैंगन है। मेरे पीछे यहाँ धान कट चुका है। गाइस यहाँ पे अमरूद है, जाम जाम के भी पेड़ लगाए गए हैं। आपको यूं ही प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाते रहेंगे और एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, व्यू तो बहुत आता है लेकिन कोई लाइक नहीं करता, तो प्लीज़ दोस्तों मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एंड तक के देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और थोड़ा शेयर भी करो जिससे हमारा थोड़ा बढ़े आगे बढ़े। हम छोटे यूट्यूबर हैं अभी बड़े बनने हैं, फिर तो हम आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे और अभी भी हम दिखाते हैं, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। गाइस हमें यहाँ पे एक छोटा सा गोभी मिला लेकिन जो बाकी गोभी है वो बड़े हो गए थे तो शायद इसे काट चुके हैं और ये चला गया होगा बेचने के लिए, खाने के लिए यूज़ किया जाएगा। गाइस ये देखो यहाँ पे एक और गोभी मिली और यहाँ पे पत्ता गोभी है जिससे इसी प्रकार से यहाँ पे खेती की जाती है। तरह से इसकी क्यारी बनाई जाती है और इसके बाद इसकी फसल की जाती है। वहाँ पे देखिए बैंगन भी फले हुए हैं। फ्रेंड्स अब हम आपको दिखाते हैं लौकी की फसल। गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखो लौकी लटकी हुई है और इतने सारी फसल लौकी है यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। और इसके फसल के अंदर हम लोग घुस चुके हैं ये देखो, और यहीं से सारी सब्जी ले जाई जाती है और इसे जबरदस्त एक मस्त व्यू आ रहा है, मजा आ रहा है ना। हाँ गाइस कमेंट पे बताना आपको कैसा लगा। वाओ वाओ पूरी लौकी ही लौकी है भाई। देखो सबसे बड़ी लौकी। यहाँ से इन खेतों में पानी सप्लाई की जाती है और ये है ट्यूबवेल। तो
पहचान के जरूर बताना, मैंने इसको आपको पहले ही स्टार्टिंग में दिखाया था, लेकिन ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या चीज है और ये किस चीज की खेती लगी है यहाँ पे। स्पेशल कद्दू की खेती जिसको पंपिन बोलते हैं इंग्लिश में। कितने बड़े बड़े पंपकिन है और इसे यूज करते खाने में, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता होगा। ये ऐसी पूरे खेती लगे हैं यहाँ पे, बहुत सारे पंपकिन खिले भी हुए हैं। अच्छा हुआ हम लोग सही टाइम पे आए, यहाँ पे सारे फल खिले भी हैं, सारा वेट है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं इसी से ये पाइपलाइन है जिससे पानी की सप्लाई होती है। गाइस ये वो फूल है जिससे कद्दू तैयार होता है और इसी से ये इसमें बदल जाता है। देखो दोनों का जोड़ा एक साथ खिले, हस्बैंड वाइफ जैसे। तो गाइस जरूर बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और यही जो मेन से जगह है यहीं से जाते हैं सारे फल, यहीं से सारे सब्जियां जाती है। ये वाला गेट खोलना पड़ेगा, इसी गेट को खोल के आए थे अपन। बाय बाय खेत। गाइस हम लोग सोच रहे हैं कि सीढ़ी से चढ़ते ऊपर पटरी में और आपको यहाँ का व्यू दिखा देते एक बार। और हम लोग आ चुके ऊपर और ये देखो गाइस पटरी, यहाँ 1, 2, 3 ट्रैक है उस साइड तक के, और ये देखो खेत का पूरा व्यू गाइस, वाह। यहाँ से हमें पूरा खेत दिख रहा है पहला फैला हुआ, और वहां से देखो क्या ही जबरदस्त व्यू आ रहा है। गाइस ये देखो पटरी में ट्रेन आ रही है, हम लोग बस चढ़े ही थे और यहाँ पे ट्रेन आना अभी शुरू हो गई, लेकिन ये इस ट्रैक में नहीं आ रही, उस वाले ट्रैक में आ रही है। तो गाइस उस तरफ है नदी का पुल और ये ट्रेन उसी से होते हुए जाती है जो आपने देखा होगा ट्रेन में बैठ के लोग जो जाते हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि कभी और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग वहां तक के जाएंगे और आपको दिखाने वाले हैं, तो उसे भी हम लोग बनाने वाले जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करो। गाइस अब चलते नीचे, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग सोच रहे घर चलते हैं और मैं ट्यूशन जाने मेरे को, इसलिए मैं बैग लेके आया हूँ। वीडियो तो हमारा बन गया, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए गुड बाय और सीन एंजॉय करो और फटाफट से लाइक भी कर दो इस वीडियो को।